बल्लभगढ़ के हरि विहार में किराए पर रह रहे 45 वर्षीय युवक की अज्ञात लोगों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बीके अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया है। वहीं मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है और जल्द ही हत्या करने वालों को गिरफ्तार करेगी। बल्लभगढ़ के हरि विहार कॉलोनी का है, जहां पर किराए के मकान में रहने वाले 45 वर्षीय युवक को अज्ञात लोगों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं ACP विनोद कुमार की माने तो युवक पंचकुला का मूल निवासी है और यहां किसी कंपनी में काम करता था और किराए पर अकेला रह रहा था। साथ ही पुलिस ने बताया कि कल रात वह अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, तभी उसके साथ यह वारदात हुई। फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है। मृतक के भाई के बयानों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। ये रात का मामला है और एक नाम पता ना मालूम व्यक्ति जिसने पिंकू को चक्कू गोद के हत्या की है और ये नहीं पता अभी कौन था, तो उसके लिए अभी तफ्तीश जारी है। जिसके भाई प्रेम के एप्लीकेशन पर FIR दर्ज कर दी है और गहनता से जांच की जा रही है। कहाँ का रहने वाला है, कितनी उम्र है और ये कब से रह रहा था यहाँ पर? ये मूलतः पंचकुला से रहने वाला है। इसके जो डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ से मिले, पंचकुला ये रह रहा था, लेकिन यहाँ किसी कंसल्टेंसी कंपनी में JCB चौक के आसपास यहाँ ये जॉब करता है और यहीं काफ़ी दिन से रह रहा है। दारू के गिलास कमरे में मिले हैं, ऐसा लग रहा है कि दारू पी रहे थे कई। हाँ, वैसे तो ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे चीज़ें सामने आएगी, लेकिन प्राइमा फेसिया ये कहा जा सकता है कि शराब पी रहे थे और जो डॉक्टर की रिपोर्ट होगी उसके बाद जो चीज़ें होगी क्लियर हो जाएगी। क्या ये फैमिली के साथ रहता था कि? यहाँ ये फैमिली के साथ नहीं रहता, फैमिली इसकी पंचकुला रहती है, लेकिन ये यहाँ अकेला रह रहा है कि जो बच्चे और वाइफ है वो पंचकुला के। उत्तर प्रदेश का भी बताया जा रहा है ये पीछे से। नहीं, ऐसी अभी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन कोई होगी तो क्लियर करेंगे। अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ आगामी कार्रवाई की जाए, कब तक इन आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा? जिस तरह से पुलिस मेहनत कर रही है, मुझे लगता है कि जल्दी इसका सफलता की ओर हम परिणाम आपको देंगे।